आज हम बताएंगे आपको कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में आखिर सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि सही भाई ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होता है सभी के दिमाग में, हमारे भी था, कि आखिर यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है भाई, कितना रुपए इन हैंड आता है। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि सैलरी कितनी मिलती है सैलरी स्लिप के साथ। और मैं गया था एसपी ऑफिस में, वहाँ से सैलरी स्लिप निकलवाई थी, क्योंकि अभी नेट पर नहीं चढ़ी है। तो आपको दिखाएंगे विद प्रूफ के साथ कि कितनी सैलरी मिलती है। इस वीडियो में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप आ रहे हैं ट्रेनिंग करने या आप ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं, तो सैलरी के बारे में पता कर लीजिए। जैसे कि दरोगा की भर्ती जो है आने वाली है, उसकी भी सैलरी के बारे में पता करना चाहिए आपको। तो मैं बनाऊंगा इस अगले वीडियो में दरोगा जी से पूछ करके कि आपको ट्रेनिंग में कितनी मिली थी। लेकिन अभी देखिए सिपाही में आप आ रहे हैं, तो सिपाही की सैलरी देख लीजिए कि कितनी मिलती है। तो आज सा संडे, तुमने सोचा कि बता दे भाइयों को जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे भी मन में ये सवाल था, आपके मन में भी होगा, जाहिर सी बात है। तो बताते हैं वीडियो में कि सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों आपको जो सैलरी है अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रूफ के साथ, कि जो आपका बेसिक पे है वो 21,700 रुपये है। इसके बाद आपको जो डीए मिलता है वो मिलता है 36,689 रुपये मिलता है, यानी 3689 रुपये डीए मिलता है। और केएमए एक आपको मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में, उसको बोलते हैं किट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है। जैसे कि आपकी दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, या और आपकी वर्दी के लिए प्रेस व्रेस और वॉशिंग की जो भी किट मेंटेनेंस अलाउंस के नाम से आपको 188 रुपये मिलते हैं। और इसके बाद आपको एक मिलता है AHA, इसका मुझे पता नहीं क्या है, 1500 रुपये वो मिलता है। और आपका जो 100 रुपये कटता है ग्रुप इंश्योरेंस GIS आपका कटता है, 100 रुपये प्रतिमाह आप सभी की वेतन से कटेगा, वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, तो बीमा आपका है वो 100 रुपये कटता है। और इसके बाद आपको जो पूरी धनराशि आप मिलाएंगे वो टोटल करेंगे तो इसको मिलता है 27,070 रुपये, यानी 27,070 रुपये आपको मिलता है पेमेंट, बट वो 100 रुपये कट जाता है बीमे वाला, और 20 रुपये कुछ किसी और चीज़ का कटता है। तो कट करके जो इन एंड आपके अकाउंट में आता है वो 26,957 रुपये आपके अकाउंट पे आता है। आप देख लीजिए प्रूफ के साथ, वीडियो में आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि आपके हैंड में 26,957 रुपये मिलते हैं। अभी दोस्तों इसमें कोई ना HRA जुड़ा है, ना आपका फूड अलाउंस, ना आपका जो मिलता है साइकिल अलाउंस, बहुत से अलाउंसेस हैं तो वो नहीं जुड़े हैं ट्रेनिंग पीरियड में, केवल इतना ही है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी पेमेंट कितनी है, 27,000 रुपये मान लीजिए, 27,000 पेमेंट आपकी ट्रेनिंग में है। और जब ट्रेनिंग के बाद जाएंगे तो लगभग 29,000 के करीब हो जाएगी। और यहाँ पे सिटी अलाउंस जुड़ जाएगा, बहुत से अलाउंस जुड़ेंगे, शायद 30,000 भी हो जाए पेमेंट, वो सिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो पेमेंट भी अब सही हो गई है स्टार्टिंग ही, नहीं तो पहले जो सिपाही भर्ती हुए थे उनकी पेमेंट पता कीजिए 3,000-4,000 में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए फोर्स को और यूपी पुलिस का नाम कीजिए भाई, जल्दी से आइए, 22 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग है। और आपसे एक कम से वो देते हैं, सलाह देने वाला चाहते हैं कि आप लोग 22 तारीख से अगर आपकी आमद है तो आप 22 करा लीजिए, क्योंकि आप जिस दिन आएंगे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और आप उतने सीनियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपने 22 अप्रैल को कराया और किसी ने 23 को कराया तो वो फिर क्या होगा, आपसे जूनियर रहेगा एक दिन। तो जल्दी से करा लेना अगर आपके पास काम ना हो। काम हो तो आपको पास एक मंथ का समय मिलता है, जब तक कि RTC स्टार्ट नहीं हो जाती है आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जानना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।